नमस्कार दोस्तों, इसको प्रोसेस को हमने दोबारा किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब भी हम सॉफ्टवेयर करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी प्रकार का स्विच या किसी प्रकार का जो अपने पावर में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और हमें लगा कि हमारा लैपटॉप थोड़ा सा चार्जिंग कम है, हमने अडैप्टर लगाया। अडैप्टर लगाने के बाद हमारा क्या है, 20% पे हमारा जो ये सॉफ्टवेयर रीड होना रुक गया और एरर आ गया, ठीक है। फिर उसको पुनः हमने चारों फाइलों को एक साथ सेलेक्ट किया है, बूट वन, बूट टू, RPMB और यूजर एरिया। सो RPMB तक हो गई, यूजर एरिया अभी देखिए 15% चला गया, ठीक है। ये पूरी जब तक आपका बैकअप ना आ जाए दोस्तों, तब तक आप किसी प्लग को छेड़खानी नहीं करें, कोई सामान नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी सॉफ्टवेयर जब भी आप लोग करें तो तसल्ली से रात में और बहुत ही डोंट डिस्टर्ब में करें, कि मतलब कोई डिस्टर्ब किसी तरह का ना रहे। ज़रा सा फ्लक्चुएशन आपका पूरे सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, एरर कर सकता है, बोर्ड डेड कर सकता है। तो ये सब चीज़ों की सावधानी रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमारा 18% हो गया है और ये पूरे होने तक इसका वेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी देखिए हम 49% हो गया, लेकिन अभी भी समय लगेगा इसमें, कम से कम मान के चलिए 25 से लेकर 45 मिनट तक का इसमें समय लगेगा इसको रीड करने में, क्योंकि 4 GB डाटा हमारा है जो यूजर एरिया का है। RPMB का तो 4 MB का होगा, इसका फिर हम प्रॉपर्टी में जाकर देख लेंगे जब इसका पूरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा तब, क्योंकि पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑलरेडी है दोस्तों। सो JTAG के माध्यम से हम इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे और बोर्ड किसी प्रकार से डेड होगा तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए हमारा 78% हो चुका है, 79 हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें, फिर हमारा बैकअप जो है पूरा आ जाएगा। ये हमारा बोर्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्टेटस है जो ब्लिंक कर रहा है, और ये हमारा जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी इस पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर भी सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, CMD, क्लॉक, ग्राउंड, डाटा जो। और यहाँ पर देखेंगे जो जोड़ा गया पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा क्लॉक है और ये DO है, ये क्लॉक है, ये DO है और ये CMD है और ये ग्राउंड है, ठीक है। देखिए फास्ट हो गया यहाँ पे, 82% हो गया। सो फ्रेंड, बार बार मैं कहते जा रहा हूँ और दोबारा भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा एरर ये 20% पे आया था। सो आपको पावर स्विच या किसी प्रकार का आपको छेड़खानी नहीं करना, जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर को रीड एंड राइट कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा बोर्ड फेल होने का चांस रहता है। सो आप लोग किसी प्रकार का अपने लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है, ना तो आपका इन्वर्टर बटन ऑन होना चाहिए, ना तो कोई बटन ऑन ऑफ होना चाहिए, ना तो कोई चार्जर, लैपटॉप, पंखा की भी चीज़ में आपको टच नहीं करना जब तक हमारा सॉफ्टवेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान रखें। और देखिए अभी हमारा 88% हो गया, जो यूजर एरिया है हमारा 88% हो चुका है, और कुछ ही चंद सेकंडों, चंद मिनट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से भी एरर का चांस आता है तो हम इसकी जो हमने यहाँ पर देखिए ये जो यूज किया है वायर, हमारा जंपर वायर यूज किया है, ये किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, कि ये जंपर वायर थोड़ी सी हमारी जो होती है ये बारीक होती है और इसको हम आसानी से कहीं भी जोड़ या निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वायर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी मोटी होती है। जब इसको हम लगाएंगे तो पता लगा थोड़ा सा तार हमारा हिल गया ना, और ये हार्ड भी होती है, और इसके हिलने की वजह से क्या होगा, हमारा सीधा हमारा जो है ट्रैक ही उखड़ जाएगा, फिर हमारा और कहानी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आगे थोड़ा थोड़ा ही पतला वायर जोड़ लिया, ताकि हमारा यहाँ पर आसानी से इसको कनेक्ट कर सके। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों सॉफ्टवेयर रीड राइट करते वक्त, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से भी एरर आता है, ये जो पॉइंट लगा हुआ, ठीक है। नहीं तो इसको भी हटा के जैक, आपको अगर यहाँ पर से किसी प्रकार का एरर आ रहा है, जैक को हटाकर डायरेक्ट भी यहाँ से तार आप लगा सकते हैं, ये जंपर वायर है वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जितने रिमोट रखे हुए दोस्तों, ये सब पेयरिंग करने के लिए रखे हैं। सो आप लोगों को इस क्लास के दौरान इसको पेयरिंग करने भी दिखाएंगे हम लोग, पेयर करके रिमोट को किस तरह से पेयर करते हैं।
तो अभी देखेंगे हमारा 92% हो चुका है दोस्तों, और होने दीजिए दोस्तों 92% हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तब तक होने दीजिए क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लास है तो बस मज़े लेते रहिए। और जो भी जानकारियाँ आप लोगों को मिल रही है वो सब बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ मिलेगी। अभी चंद्रशेखर सर जी का सब कुछ बाकी है, अभी तो वो देना चालू करेंगे तो बरसात हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सो बने रहिए और दोस्तों को भी बताइए और दोस्तों को भी जोड़िए ताकि अपने मित्र दोस्त जितने भी हैं सभी लोग अपडेट हों, और हमारा जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो सभी को अपडेट करना ही है, और अपडेट उस तक कदर से करना है कि कम से कम अपना काम जो है ना वो स्वयं कर सके, बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है, हमें अपना जो हमारे काउंटर के काम आते हैं वो हमारे काम इजली हो जाए, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पर 95%, सो फ्रेंड 97% हो गया। अब हमारे पास बोर्ड कितने हैं दोस्तों वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, सॉफ्टवेयर के लिए CV338 MS.PB802, ठीक है 98% हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है SP35, ठीक है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। और दूसरा हमारे पास है ATM30, कहाँ गया ये ATM30 PB801 वाला, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद 35 822 वाला है, ठीक है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये बोर्ड चंद्रशेखर सर के पास भी जा रहे हैं दोस्तों, और उनके माध्यम से भी आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ देखें 99% हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पर ओके आ गया है, ठीक है, हमारा रीड जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, 2351 सेकेंड में हो गया है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका मिनट हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम में हमारा जो यूजर एरिया है वो कन्फर्म हुआ, तो हम कैलकुलेट करके आप लोगों को इसको बताते हैं। देखिए हमारा जो RPMB का था वो भी दिखा देगा यहाँ पर, RPMB का सेकेंड वैसे शो नहीं हो रहा, टोटल सेकेंड ही शो हो रहा, तो 2351 को हम डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 38.39 कुछ है, तो 40 मिनट के समथिंग ये हमारा जो टाइम लगा है दोस्तों इसको रीड करने में 40 मिनट का समय लगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम अपने EMC की जो फाइल है उसको रीड कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। नमस्कार।